जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं PCVN भारत न्यूज़। खबर प्रयागराज से, मजार पर झाड़ फूक कराने आए पति पत्नी के बीच हुआ विवाद। आपको बता दें, विवाद इतना बड़ा कि गुस्साए पति ने पत्नी को तालाब में डुबो डुबो कर डाली हत्या। बड़ी खबर है प्रयागराज से। प्रयागराज घोरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कर्मा पुलिस चौकी के तहत पहलू का पूरा दानपुर चकिया गाँव के समीप शनिवार को करबला में झाड़ फूक कराने आए पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों विवाद करते हुए बगल के तालाब में घुस गए और काफ़ी समय तक दोनों पति पत्नी के बीच विवाद लपटा झपटी चलता रहा। इसी बीच आक्रोशित पति ने पत्नी को तालाब में डुबा कर जान से मार डाला। ग्रामीणों की सूचना पर घोरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा चौकी इंचार्ज उमाशंकर घटनास्थल पर सिपाहियों के साथ पहुंचे। वहीं पति पुलिस को देखकर सहम गया और पुलिस द्वारा बुलाने पर तालाब से बाहर नहीं निकल रहा था। काफ़ी मनाने के बाद भी नहीं निकला तो पुलिस ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाकर कड़ी मशक्कत के बाद तालाब से निकाला। मृतका को शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, तालाब में रेस्क्यू कर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रभारी चौकी कर्मा द्वारा बताया गया कि आरोपी के नाम मोहम्मद आरिफ, मृतका का नाम दोनों शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के नारीबारी गांव खुजरा के मौजूद है। आप देखिए हमारी खास खबर। देखिए प्रयागराज से कमलेश सिंह की रिपोर्ट, देखते रहे PCVN भारत न्यूज चैनल। घटना इस तरीके भैया, क्योंकि औरत की तबीयत खराब थी जी, तो ये कल शाम से गायब था। इसका लड़का गया ढूंढते पाया था, दारू पी के पड़ा था। तो उसका लड़का ये गाड़ी है देखो सामने जी जी, ये गाड़ी चला के खुद लाया। तो इसका जो बाप है कुछ देर होश में था, उसके बाद पानी में खुदा, पानी में खुल के कब निकला और कब गया पीछे जी कमरे तीन की औरत, वहाँ से पकड़ा हाथ लेके कूद गया तालाब में जी। हम लोग कूदे भी हैं, बीच तक गए हैं, उसके बाद लेके उस ओर भाग गया। तो उनका क्या नाम है? उसका लड़के का जो लड़का था पानी में जी, उनकी औरत थी जी, आरिफ नाम है उनका। आरिफ उनकी पत्नी का? औरत का नाम तराना बता रहे हैं सर। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेर अली है। ये कौन सा गांव है? ये बरौली माता है। कौन सा थाना लगता है? थाना भैया देखिए हमारे भी कर्सना है, लेकिन ये घोरपुर लगता होगा।